सभी लोग आ जाओ, आज हड़प्पा को कोशिश करेंगे कि खत्म ही हो जाए। ठीक है, हड़प्पा को खत्म करना है आज। मेरी आवाज आ रही है? डेल्स का वो नहीं दिख रहा। अच्छा, डेल्स का, और इधर पिगट भी नहीं दिख रहा। चलो उसको मैं कर लूंगा, है ना, डेल्स एंड पिगट। बाकी इधर घोष तक के सही है, ठीक है ना। हेलो, सभी को आवाज आ रही है? ठीक है, मैं सबका मैसेज देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ, लोग गायब हो गए हैं, जल्दी आए फिर क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, जल्दी आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ भैया, जल्दी क्लास शुरू होगी। आगे बढ़ गए तो फिर बोर हो जाओगे। क्लास शुरू करें, चलो धीरे धीरे आ रहे हैं, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग यशस्वी, आवाज आ रही है यशस्वी? एक बार हाँ बता दो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो बता देना कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, अगर जिसको भी नहीं आएगी मुझे बता देना। ठीक है, चलो आज छोटा सा दो टॉपिक बचा है। एक तो हमारा बचा है कला। कला का मतलब क्या है कि इस काल में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के काल में वहां की कलाएं कैसी थी। ठीक है, चलो, है ना, यशस्वी का मैसेज आ गया कि आवाज प्रॉपर आ रही है, क्लियर है। चलो, उस समय ये था कि हमने बताया कि ये सारी चीजें थी, तो उन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, कला में देख सकते हैं। जो हमने पूरी चीजें लिखी है, उनके भवन कैसे थे, उनकी सड़कें कैसी थी, सारी चीजें कला में आ जाएगी। एक मेन चीज जो मैं लिखवाने वाला हूं, उसको आप लिखते हुए चलना, बोर्ड में मैं मेंशन कर दूंगा, आप लिखते हुए चलो। आज लिखने का काम ज्यादा है, तुरंत पेन कॉपी उठा लो, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाओ। ओके भूमिका, ठीक है ना, आपका भी मैसेज मिल गया, आवाज आ रही है, थैंक यू, आपने बताया आप लोगों ने। जिसको भी आवाज में डाउट होगा एक बार फिर से मैसेज करना, ठीक है, अभी ठीक है तो ठीक है, चलते हैं, है ना। चलो, कला, कला में तीन से चार पॉइंट रहेगा, वो आपके मेंस के टाइम में, आपका प्रीलिम्स कोई सा एग्जाम निकलता है उसके मेंस में आपको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूं कि क्या रहेगा। आप कला के अंदर में लाइन से हेडिंग डाल देना, पहली हेडिंग डाल देना स्थापत्य। स्थापत्य में आप पूरे घर के चीजों को लिख सकते हो, वहां की बिल्डिंग ये बहुत अच्छी बनी हुई थी, वहां पे नालियों का था, वहां पे सारी चीज था। दूसरा आप लिखोगे लिपियां, मतलब वहां की लिपियां जो हमें मिली है वो भाव चित्रात्मक भी हैं और वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और तीसरा चीज के बाद आप क्या लिखोगे, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आप इसको लिख लो, ठीक है। ये एक लाइन का पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्लियर है। ये मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूं, मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूं, कांसा, तांबा, एकदम आराम से लिखना और इस चीज को नोट करके लिख लेना। तांबा तथा तीन को मिलाकर, तांबा तथा तीन को मिलाकर कांसा, कांसा मतलब समझ गए, कांसा एक धातु का नाम है, तांबा तथा तीन को मिलाकर कांसा, कांसा धातु जो था हमारे हड़प्पा के शिल्पियों ने बनाया था, ठीक है। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा धातु हमारे हड़प्पा के शिल्पियों ने बनाया था, और इसलिए हड़प्पा काल में कसेरों का बहुत अधिक महत्व था, ठीक है। हड़प्पा काल में कसेरों का अत्यधिक महत्व था। अगले पॉइंट में लिख लो, पहले पॉइंट में आप लिख लेना, तांबा धनटीन बराबर कांसा, मतलब
कांसा धातु यहाँ के कसेरों द्वारा बनाया गया था, यहाँ के शिल्पियों द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसलिए क्या था, कसेरों का अधिक महत्व था, कसेरों का अधिक महत्व था, कसेरों को या कसेरों का अधिक महत्व था, ठीक है। ये एक पॉइंट लिख लिए, आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। अभी मैंने आपको बताया था जब हम ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे थे तो हम ताम्र पाषाण काल के चरण दो में हड़प्पा को पढ़ रहे थे, लेकिन आप याद रखना अगर आपको पूछ लिया कि क्या हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी तो आपको हाँ लिखना है, क्लियर है। अगर कोई पूछ लिया कि क्या हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता थी तो आपको लिखना है हाँ, ठीक है। तो हड़प्पा को हम ताम्र युगीन सभ्यता भी बोलते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। कांसा वाला कांस्य, कामे आ की मात्रा का ऊपर में एक बिंदु आधा सा और यक के या, कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्लियर हो गया। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत यहां पे खत्म हो गया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो। मैं हेडिंग डाल रहा हूं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन को आप समझना, ठीक है, लिखने से ज्यादा आप समझना, क्लियर है। जो चीज लिखने की होगी वो मैं बता दूंगा, केवल उन्हीं चीज को लिखना, बाकी आप समझना। धार्मिक जीवन, ठीक है, अब आराम से सुनो। धार्मिक जीवन, वहां के धार्मिक जीवन हमको तो पता था नहीं भाई कि वहां पे क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो चीजें वहां से मिली है उसके आधार पे हम अंदाजा आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चीजें मिली है, वहां पे हमें एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे दिखाए गए हैं, ठीक है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। संभवतः वो कौन होगी, वो मातृ देवी या पृथ्वी देवी होंगी, ठीक है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा पृथ्वी देवी की ओर इंगित करता है, मतलब वो कहीं ना कहीं पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, क्लियर हो गया ये वाला चीज सभी को। लिखोगे तो शॉर्ट में लिख लो इसको, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, संभवतः यह पृथ्वी देवी ठीक है संभवतः यह पृथ्वी देवी या माता भगवती ठीक है संभवतः यह पृथ्वी देवी या माता भगवती होंगी, क्लियर है ये वाला चीज क्लियर है सबको। चलो उसके बाद एक अगला पॉइंट लिखो हड़प्पा के पत्थरों में अनेक लिंग एवं योनि के चित्र अंकित हैं।
जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग पूजा करते थे, ठीक है? क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट और लिख लो, तीसरा पॉइंट लिखो, अनेक मात्रा में ताबीज मिला है, अनेक मात्रा में ताबीज मिला है, ठीक है? तो अगर अनेक मात्रा में ताबीज मिला है तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भूत प्रेत और जादू टोना में क्या करते थे, विश्वास करते थे। मिला है अर्थात हम यह अंदाजा लगा सकते हैं ये भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते थे। क्लियर हो गया? जादू टोना में विश्वास करते थे, भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते थे, ठीक है? एक लास्ट पॉइंट लिख लो, ताखता। ताखता एक नाम है पक्षी का, है ना? ताखता, ताखता एक पक्षी का नाम है। यह पवित्र पक्षी था उस जमाने में, पवित्र पक्षी था। क्लियर हो गया सभी को? किसी को डाउट है? एक बार फिर से बता दे रहा हूं, कला वाला, कला में हमने क्या देखा कि तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य धातु बनाया गया था, इसलिए हड़प्पा काल में कसेरों का, मतलब जो कांसे का सामान बनाते थे या जो कांसा बनाते थे, उनका अधिक महत्व था। दूसरा पॉइंट हमने देखा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ के कसेरों ने कांसे का निर्माण किया और उसी के वजह से हम इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। पहला कला वाला खत्म हो गया। दूसरा हम देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में मैंने आपको बताया कि हमें एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें यह दिखाया गया है स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, ठीक है? तो हम ये बोलते हैं ये संभवता कौन होंगी, पृथ्वी देवी होंगी या माता भगवती होंगी, ठीक है? क्लियर है? माता भगवती होंगी। हड़प्पा के पत्थरों में अनेक लिंग और योनियों के चित्र भी मिले हैं जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हम ऋग्वेद में देखे हैं जो नॉर्मल निचले तबके के लोग थे वो योनि पूजा करते थे, तो संभवतः हड़प्पा में भी क्या है, उसकी पूजा की जाती होगी, ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है? और हमें वहां से अनेक मात्रा में ताबीज मिले हैं। ताबीज का मिलना इस बात की ओर अंकित कर रहा है कि वे अंधविश्वास, जादू टोना, भूत और प्रेत सभी चीजों पे क्या करते थे, विश्वास करते थे या विश्वास रखते थे। क्लियर हो गया? उस जमाने में एक पक्षी था जिसका नाम था ताखता। ताखता हड़प्पा युगीन पवित्र पक्षी था। क्लियर हो गया? ताखता हड़प्पा युगीन पवित्र पक्षी था। क्लियर है? चलो, कला वाले को मिटा रहा हूं, धार्मिक वाले के अंदर एक दो और पॉइंट है, उसको आप लिखना है ना, क्लोज मत करना धार्मिक वाले पॉइंट को। चलो, है ना? उसके बाद अभी हमने क्या लिखा, ताखता जो था पवित्र पक्षी माना जाता था, या हड़प्पा युगीन पवित्र पक्षी का नाम ताखता था, ठीक है? अब यहां पे एक वो मिला है चित्र जिसमें पशुपति नाथ के आसपास अनेक जानवर बैठे हैं, पशुपति नाथ के समीप अनेक जानवरों का चित्रण, अनेक जानवरों का चित्रण। क्लियर है? हमें एक और ऐसी प्रतिमा मिली है, या हमें एक ऐसा वो मिला है जिसमें हम देख रहे हैं एक चित्र में पशुपति नाथ के समीप अनेक जानवर जो हैं बैठे हुए हैं। क्लियर है? ठीक है? तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में जानवरों की या पशु पक्षियों की भी पूजा की जाती रही होगी,
और इन पशु पक्षियों में हमें क्या चार चीज मिले हैं उनको लिख लो, हाथी, हिरण, बाघ और हाथी हिरण बाघ, एक मिनट है ना देख लेते हैं। ठीक है ना, पशुपतिनाथ के समीप अनेक जानवरों का चित्रण मिला है और उस चित्र में हाथी हिरण बाघ और गेंडा, गेंडा लिख लो, इसी को हमने कल मेंशन किया था। हमने क्या देखा था, एक सींग वाला क्या मिला है, सांड मिला है, एक सींग वाला सांड मिला है, संभवतः वह गेंडा होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन में आए कि कौन सा नहीं है तो ये याद रखना, ठीक है, हाथी है, हिरण है, बाघ है और गेंडा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो धार्मिक जीवन को यहीं पे क्लोज करते हैं। और धार्मिक जीवन में एक चीज आप और याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हम धीरे धीरे आगे आएंगे, सभ्यता के आगे बढ़ते जाएंगे, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और अंतिम जीवन का लक्ष्य क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा के लोग थे ना, उनका मतलब ऐसा मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं था, वो भौतिकतावादी, मतलब सुख समृद्धि ये सब चीज के लिए क्या करते थे, पूजा करते थे, ना कि किसके लिए कि भैया हमको मोक्ष मिल जाए या हमको स्वर्ग मिल जाए, इन सब के लिए वो बिल्कुल भी पूजा नहीं करते थे, ठीक है। वो अपनी पूजा किस लिए करते थे, भौतिकतावादी सुखों को प्राप्त करने के लिए। क्लियर है सभी को। चलो और एक और चीज याद रखना, हमें ये लिंग और योनि के जो है सिंबल मिले हैं पूजा के लिए, हमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, लेकिन हड़प्पा काल में एक भी मंदिर का प्रचलन नहीं था, कोई भी मंदिर बनी हुई नहीं थी, ठीक है। हमें ऐसा कोई भी स्थान नहीं प्राप्त होता है जहां पर ये साक्ष्य मिले कि वहां पे मंदिर था, ठीक है। तो मतलब लोग देवी देवताओं के या किसी भी चीज की पूजा जो अर्चना करते थे वो स्वयं में करते थे और उनका मेन लक्ष्य था कि भाई हमारी ये कामना पूरी हो जाए, हमको ये चीज मिल जाए, हमको वो चीज मिल जाए, हमको दुनिया का हर सुख मिल जाए, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना नहीं करते थे, ये बलाओं को टालने के लिए करते थे, भैया हमारे ऊपर आपत्ति ना आए, ठीक है। ये ऐसे टाइप की पूजा करते थे और ये पूजा के लिए किसी विशेष स्थान यानी मंदिर वगैरह का निर्माण नहीं किए थे। ये था यहां पे हड़प्पा के निवासियों का धार्मिक जीवन। क्लियर हो गया सभी को, क्लियर आवाज सबको क्लियर थी। चलो आज हम धार्मिक जीवन को यहीं खत्म करते हैं। तो हमने देख लिया हड़प्पा का, सबसे पहले हमने सामाजिक जीवन देखा, हमने आर्थिक जीवन देखा, हमने राजनैतिक जीवन देखा, हमने धार्मिक जीवन देख लिया। क्लियर है, अगर कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे आएगा तो यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो लिखाया गया है उसको आप एकदम लिख लो और जो चीज मैं बोल रहा हूं उन चीजों को जहन में रखो और हो सके तो आप उसको भी कहीं शॉर्ट में स्टोरी टाइप का लिख लो, ठीक है, ताकि अचानक से पूछ ले कि हड़प्पा कालीन पवित्र पक्षी का नाम क्या था तो आपको याद होना चाहिए ताखता। क्लियर हो गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम फास्ट में लिखेंगे इसलिए मैं पहले से थोड़ा सा उसको बना दिया हूं एक टेबल को। अगर आपको साइड में जो लोग देख के लिख रहे हैं वो लोग देख लें, साइड में एक टेबल बना हुआ है, ठीक है ना। अब क्या था, हड़प्पा इतनी बड़ी इतनी भव्य सभ्यता थी, लेकिन क्या हुआ, हर चीज का विनाश संभव है, तो उस सभ्यता का भी क्या हुआ, फिर एक टाइम के बाद पतन हो गया, ठीक है। लेकिन हड़प्पा का पतन कैसे हुआ, इस चीज का अंदाजा लगाना अभी भी एक पहेली बनी हुई है या मुश्किल है। इस चीज के लिए जितने भी विद्वान हैं सभी का अलग अलग मत है, क्लियर है। तो अब आप इसको लिखते हुए चलना, जो बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं वो एक टेबल बना लेंगे जिसमें दो भाग होगा, एक तरफ किस कारण से हुआ है और दूसरे तरफ किस वैज्ञानिक के अनुसार। सुन लो सिर्फ मैं जैसे बोल रहा हूं, पहले मैं बोला नदी का बहाव, नदी का बहाव किसको लगता है, मान के चलो इस वैज्ञानिक को, ठीक है। तो एक तरफ आप क्या लिखोगे, कारण, और दूसरे तरफ लिखोगे के अनुसार, मतलब वैज्ञानिक के अनुसार। जल्दी से टेबल बना लो, एक रफ सा टेबल बना लो,
जरूरी नहीं है कि स्केल पेंसिल ये सब से बनाओ, एक रफ सा टेबल बना लो, दो भाग कर लो, पहले भाग में लिखना कारण और दूसरे भाग में आप क्या लिखोगे, दूसरे भाग में आप लिखोगे के अनुसार, मतलब वैज्ञानिक के अनुसार, उतना आप अंडरस्टूड करना, मतलब मैं समझता हूं कि आप किए हो, ठीक है। चलो सबको आवाज आ रही है ना, क्लियर? मैं मैसेज देख रहा हूं, अभी किसी का कोई दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो जिस हिसाब से था इतनी बड़ी हड़प्पा युगीन सभ्यता धीरे धीरे पतन हो गई, उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तर्क भी दिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पॉइंट में लिखना, नदी की शुष्कता, नदी की शुष्कता, नदी की शुष्कता, क्लियर है? पहला लिख लिए नदी की शुष्कता, दूसरे वाले कॉलम में लिख लेना किसको लगता है, सूद और अग्रवाल के अनुसार, नदी की शुष्कता सूद एवं अग्रवाल के अनुसार, सूद एवं अग्रवाल के अनुसार, क्लियर हो गया? तो हमारे एक वैज्ञानिक है सूद और अग्रवाल, या हमारे एक पुरातत्ववेत्ता है, उनका मानना है कि हड़प्पा जो है, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जितनी भी सभ्यताएं थी, वो सभी सभ्यताएं कहाँ पे थी, नदियों के किनारे थी। एक टाइम के बाद नदियों का पानी कम होते गया, वहां पे शुष्कता बढ़ती गई और वहां को के लोग जो थे उनको जीवन के लिए पर्याप्त पानी और चीजें उपलब्ध नहीं हो पाने लगा, और धीरे धीरे चल के इस सभ्यता का पतन हो गया। क्लियर है? पहला पॉइंट आप लिखे हो, नदी की शुष्कता किसके अनुसार, सूद एवं अग्रवाल के अनुसार। कहानी को आप मत लिखना, सिर्फ आप नाम लिखते चलो। दूसरा लिखो, अस्थिर नदी तंत्र, अस्थिर या अस्थिर, अस्थिर नदी तंत्र, मतलब कहने का मतलब है जो नदी का तंत्र था वो कहीं पे भी स्थिर नहीं था, चेंज होते गया, ये होते गया, वो होते गया। ये एक कारण बना क्या, किसका, हड़प्पा सभ्यता के पतन का। ऐसा किसको लगता है, ऐसा लगता है लैम्ब्रिक, लैम्ब्रिक, लैम्ब्रिक नामक पुरातत्व वेता के अनुसार। लामे ए की मात्रा ल, आधा मा बा, नीचे में रा छोटी की मात्रा, लैम्ब्री और कबूतर के का, लैम्ब्रिक, ठीक है। पहला आपने लिखा नदी की शुष्कता सूद्र एवं अग्रवाल के अनुसार, दूसरा आपने लिखा अस्थिर नदी तंत्र लैम्ब्रिक के अनुसार। हो गया दूसरा पॉइंट क्लियर, लैम्ब्रिक के अनुसार दूसरा पॉइंट क्लियर। अब तीसरा लिखो, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इसमें लिख लो स्टाइन एवं ए एन घोष के अनुसार। इस टाइन, आधा सा, टा में आ की मात्रा, टा इमली के ई और नल के ना, इस टाइन एवं ए एन घोष के अनुसार, क्लियर है? जलवायु परिवर्तन कौन मानता है, स्टाइन और ए एन घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन क्या था, मुख्य कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन का। क्लियर हो गया? चौथा लिखो, चौथा लिखो, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, तो के यू आर कैनेडी, बगल कॉमा में लिख लो, जो हमारे पुरातत्ववेता हैं उनका नाम था के यू आर कैनेडी। तो ये वैज्ञानिक पुरातत्ववेता जो भी थे, इनका मानना था कि प्राकृतिक आपदा आई होगी, प्राकृतिक आपदा कोई भी हो सकती है, बाढ़, भूकंप, जलजला या कुछ भी हो, चीजें आई थी जिसके वजह से क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। क्लियर है? उसके बाद पांचवें नंबर में लिखो भूकंप, 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 क्लियर है? भूकंप, भूकंप किसको लगता है, तो एक हमारे पुरातत्ववेता हैं, उनके अनुसार उनका नाम है रेइक्स, रेइक्स, और एक और है मतलब एवं, रेइक्स एवं डेल्स, डामे एक ही मात्रा, डे आधा, ला और सा, डेल्स, रेइक्स एवं डेल्स के अनुसार भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। क्लियर है? रेइक्स एवं डेल्स के अनुसार हड़प्पा का पतन भूकंप के कारण हुआ है। क्लियर हो गया? पांचवा भी, छठवा में आते हैं,
पारिस्थितिक असंतुलन। पारिस्थितिक असंतुलन मतलब जो एक संतुलित अवस्था रहती है उससे परे एक अप जो असंतुलन की अवस्था आ गई थी, इसके कारण क्या हुआ, हड़प्पा का पतन हुआ। तो छठवें में लिखो पारिस्थितिक असंतुलन और छठवें में लिखो पारिस्थितिक असंतुलन। फेयर सर्विस, फेयर सर्विस मतलब एक कोई संस्था है या एक रिपोर्ट जारी करता है, उसके अनुसार पारिस्थितिक असंतुलन के कारण क्या हुआ, हड़प्पा का पतन हो गया। क्लियर है, छठवा हो गया पारिस्थितिक असंतुलन, फेयर सर्विस, ठीक है। सातवां लिखो आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पाइयों के ऊपर आर्यों ने आक्रमण किया और उनको नष्ट कर दिया और उस तरह से क्या हुआ, उस सभ्यता का अंत हो गया, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। तो आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण किसको किसको लगता है, उसमें आप लिख लो व्हीलर, व्हीलर पिगट, व्हीलर और पिगट नाम के ये जो दो हैं उन्हें लगता है कि आर्यों के आक्रमण के वजह से क्या हुआ है, हड़प्पा का अंत हुआ है। आठवें में नंबर में लिखो प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता मतलब प्रशासन की शिथिलता है वो हड़प्पा को ले डूबी। तो आठवें में लिखोगे प्रशासनिक शिथिलता किसके अनुसार, मार्शल, मार्शल, मार्शल के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता जो है हड़प्पा को ले डूबी, ठीक है। कारण में लिखोगे प्रशासनिक शिथिलता और वैज्ञानिक या पुरातत्ववेत्ता के नाम में आप लिखोगे मार्शल। क्लियर हो गया। नौवां लिखो आप भीषण बाढ़। भीषण बाढ़ मतलब एक बहुत ही भीषण बाढ़ आई और उसने पूरी सभ्यता को क्या किया, तबाह करके ले गया। ऐसा लगता है मार्शल, मैके और राव, ये तीनों का सरनेम है, आप उसको एज इट इज लिख लो, मार्शल, मैके और राव के अनुसार। भीषण बाढ़ किसके अनुसार, मार्शल, मैके और राव के अनुसार। क्लियर हो गया, मार्शल, मैके और राव के अनुसार। लास्ट वाला जो है जल उत्प्लावन। जल उत्प्लावन, जल उत्प्लावन या जल विवर्तन दोनों लिख सकते हो, जल उत्प्लावन या जल विवर्तन, ये लगता है दयाराम साहनी को, ठीक है। जल उत्प्लावन हड़प्पा के पतन का कारण था, किसको लगता है, दयाराम साहनी के अनुसार। क्लियर है, चलो उम्मीद कर रहा हूं ये दसों पॉइंट आप लिख लिए होंगे, एक बार आराम से देख लो। नदी की शुष्कता सुदेवा अग्रवाल, अस्थिर नदी तंत्र लैम्ब्रिक के अनुसार, जलवायु परिवर्तन स्टाइन एवं ए एन घोष के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के यू आर कैनेडी के अनुसार, भूकंप रेइक्स एवं डेल्स के अनुसार, पारिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस के अनुसार, आर्यों का आक्रमण व्हीलर पिगट के अनुसार, प्रशासनिक शिथिलता मार्शल के अनुसार, भीषण बाढ़ मार्शल, मैके और राव के अनुसार, तथा जल उत्प्लावन या जल विवर्तन दयाराम साहनी के अनुसार। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है। तो फाइनली यहां पे हमारा हड़प्पा जो है उसका पतन हुआ और हड़प्पा के पतन के साथ ही हमारा ये चैप्टर का भी क्या होता है, दी एंड होता है। लेकिन इसकी एक टॉपिक बची है जिसको मैं अभी बोर्ड में लिखा रहा हूं, उसको मैं बोल बोल के लिखाऊंगा, तो आप उसको लाइन से लिख लेना। इसमें क्या है, हमको क्या करना है कि हड़प्पा में केवल हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो नहीं मिला है, हमने बहुत से शहर पढ़े हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने हड़प्पा पढ़ा है, हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा है, हमने लोथल नाम सुना है, हमने कालीबंगन नाम सुना है, हमने चन्हूदड़ो नाम सुना है, हमने रंगपुर नाम सुना है, ठीक है। तो ये सभी स्थान से कुछ ना कुछ एंटिक चीज़ें मिली है, ठीक है, कुछ ना कुछ विशेष चीज़ें मिली है, तो वो आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं आपको राज्य और वहाँ से क्या मिला है
उसको एक टेबल के फॉर्म में लिखाते जाऊंगा, लाइन से आप लिखते चलना, ठीक है? बोर्ड का मिटार दे रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट कर रहे हो तो जल्दी से कर लो। चलो, सभी का हो गया होगा स्क्रीनशॉट, मैं मिटा रहा हूं बोर्ड का। अब लेकिन जो अपन लिखेंगे ना, उसको अपन चार्ट बना के ही लिखेंगे। अब मेरे ख्याल से उसमें अपन को 3 से 4 कॉलम बनाना पड़ेगा, और मेरे को लग रहा है जो देख के लिख रहे हैं वो तो बना लेंगे, लेकिन जो मेरी आवाज़ सुन के लिख रहे हैं उनको कॉलम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो 2 से ज़्यादा बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मेरा ऑफलाइन वाला एक ठोक एक्सपीरियंस है ना बेटा? तो एक बार मेरे को बस मैसेज में बता दो कि मैं 2 कॉलम बना के बताऊँगा, आप लिख लोगे या 3 कर लोगे आप लोग? मैं 2 में ही आपको बताऊं जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हो, या 3 में आप लिख लोगे? एक बार बस हाँ या ना बोल दो। 3 में लिख लोगे 3 कॉलम में, या सिर्फ 2 में ही आपको बताऊं मैं? एक बार जो आवाज सुन रहे हैं और जो मेरी आवाज सुन के केवल लिख रहे हैं उनसे ये क्वेश्चन है कि 2 कॉलम में ही आप लिख पाओगे, या मैं बोलूंगा तो 3 कॉलम बना पाओगे? एक बार देख लो, मेरे को हाँ या ना बता दो। मैं टाइम दे रहा हूँ बाकायदा 1 मिनट का, आप लोग देख लो। ठीक है, अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है, ठीक है, हम 2 कॉलम में ही बता देते हैं कि किसी को परेशानी ना हो जो आवाज़ सुन के लिख रहे हैं, और बाकी जो देख के लिख रहे हैं बोर्ड में उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कॉलम 3 कॉलम दोनों में लिखवा सकता हूँ, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, और आज क्लास ख़त्म हो जाएगी ये हड़प्पा वाली, कल से हम ऋग्वैदिक काल शुरू करेंगे, ठीक है सर? 2 में है ना, ठीक है यशस्वी, 2 में ही बताते हैं आपको, है ना? ठीक है, है ना? एक जन का मैसेज आया यशस्वी का कि सर 2 में बताओ, ठीक है यशस्वी, 2 में ही बताते हैं। अब आप क्या करना, सबसे पहले 2 कॉलम बना लेना जो लोग मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं, ठीक है? और जो लोग बोर्ड को देख के लिख रहे हैं उनको तो कोई बताने की जरूरत है नहीं, वो देख लें बोर्ड में, है ना? तो जो मेरी आवाज सुन के लिख रहे हैं वो 2 कॉलम बना ले, ठीक है? 2 कॉलम बना ले, और 1 कॉलम में आप शहर का नाम लिखना, उसी के ब्रैकेट में आप यर लिख लेना, मतलब कि वर्ष, उसी के ब्रैकेट में अगले में आप वैज्ञानिक का नाम लिख लेना या पुरातत्ववेत्ता का नाम लिख लेना। ये पहले कॉलम में हो जाएगा, ब्रैकेट बना बना के लिखते जाना चलेगा, और दूसरे वाले कॉलम में मैं आपको महत्वपूर्ण चीजें जो बताऊंगा उसको लिखते जाना कि कहां से क्या मिला है। क्लियर है सभी को? 2 कॉलम के हिसाब से मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कॉलम में आप लिखो स्थान, दूसरा वर्ष, उसी के बगल में कॉमा करके वर्ष, कॉमा पुरातत्ववेत्ता। क्लियर हो गया? पहले में आप लिखो स्थान, कॉमा वर्ष, कॉमा पुरातत्ववेत्ता। क्लियर है सबको? और दूसरे कॉलम में आप लिखो विशेष, विशेष मतलब क्या क्या चीज हमें यहां से मिला है, कौन सा विशेष चीज हमें मिला है जो कि इसकी पहचान बन गया है या एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर है सबको? ठीक है ना? चलो यशस्वी का बस मैसेज आया है 2 में, बाकी किसी का नहीं आया, चलो लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला लिखो हड़प्पा, हड़प्पा इसकी खोज हुई थी 1921 में, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। एक ही लाइन में लिख लेना हड़प्पा 1921, दयाराम साहनी। क्लियर है?
हो गया सबको क्लियर है? चलो इसमें लिखना है विशेष में पहला पॉइंट लिखना, एक कतार में छह अन्नागार, एक कतार में छह अन्नागार, अन्नागार एक कतार में छह अन्नागार, ठीक है। एक साथ एक कतार में छह ठोक हमको अनाज का क्या मिला है? गोडाउन टाइप का मिला है, जो एक कतार में लाइन से छह ठोक बने हुए हैं। लेकिन ये याद रखना, जो हमको मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा सा मिला था उससे छोटा है ये, और ये एक साथ एक कतार में छह ठोक है। क्लियर है सबको? इसी में एक और चीज क्या मिला था, कांसे का आईना, कांसे का आईना, कांसे का आईना, कॉमा करके लिखना, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। यहां पे हमें क्या मिला, एक कतार में छह अन्नागार, कांसे का आईना, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। और हमें यहीं से क्या मिला, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे की क्या है, मूर्ति टाइप का, स्त्री की एक मूर्ति है जिसमें उसके गर्भ से क्या है, पौधा निकल रहा है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा। और एक और लिख लो, शवाधान, शवाधान का मतलब समझ गया हो गए है ना, कब्रिस्तान भी लिख सकते हो, कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। सबसे पहला क्या था, हड़प्पा 1921, हड़प्पा 1921 दयाराम साहनी, वहां से हमें क्या मिला है, एक कतार में छह अन्नागार मिले हैं, वहां से हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, वहां से कांसे का एक दर्पण मिला है, और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा मिला है, कब्रिस्तान मिला है, शवाधान मिला है। क्लियर हो गया पहला वाला सबको? ठीक है ना। चलो, आरजू शेख का भी मैसेज आ गया, समझ में आ रहा है करके। चलो, अगर किसी को डाउट होगा तो एक बार पूछ सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, एक कतार में छह अन्नागार, कांसे का आईना, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, शवाधान और कब्रिस्तान। क्लियर है सबको? चलो दूसरा लिखो, मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो, यह मिला है हमें वर्ष 1922 में, और इसके खोजकर्ता का नाम है राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, ठीक है, बनर्जी। क्लियर है सबको? मोहन जोदड़ो 1922, राखाल दास बनर्जी इनका नाम है। इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमें यहां से क्या मिला है, वृहद स्नानागार, वृहद स्नानागार, जो हमने पहले आपको डिस्कस किया है, जिसके एक तरफ सीढ़ी लगा है, एक तरफ स्नानागार के तरफ सीढ़ी है, पश्चिम के तरफ क्या है, एक कमरा है जहां पे आप कपड़े बदल सकते हैं, और दक्षिण पश्चिम की तरफ नालियां बना है पानी के निकासी के लिए। तो ये वही वाला वृहद स्नानागार जो है हमको कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में। क्लियर है? इसमें हमें एक और चीज मिला है, जो वृहद अन्नागार है, जिसकी हमने पहले चर्चा कर चुके हैं, तो उसमें लिखो वृहद अन्नागार। क्लियर हो गया? हमें वृहद स्नानागार मिला है, वृहद अन्नागार मिला है, ठीक है। यहां पे एक कुएं से कंकाल मिला है, नर कंकाल, एक कुएं से नर कंकाल मिला है, कुएं से नर कंकाल मिला है। तीसरा, पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति मिली है। क्लियर हो गया? हमें वृहद स्नानागार मिला है, वृहद अन्नागार मिला है, कुएं से नर कंकाल मिला है, और पुजारी की मूर्ति मिली है। सबको क्लियर हो गया? इसी में एक लिख लेना, एक पत्थर है, एक पत्थर है, पत्थर में नाव खुदी हुई मिली है, पत्थर पर नाव का चित्रण, सीधा ऐसा लिख लो, पत्थर पर नाव का
चित्रण मिला है, पत्थर पर नाव का चित्रण मिला है। क्लियर है सभी को? पत्थर पर नाव का चित्रण मिला है, सभी को क्लियर है? चलो तीसरा लिखो अब, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, ठीक है, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो की खोज हुई है 1931 में, क्लियर है? इसके खोजकर्ता का नाम है एन गोपाल, एन गोपाल, एन गोपाल, ठीक है, चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो के खोजकर्ता का नाम है एन गोपाल, क्लियर है? इसमें लिखो, इसमें लिखो, यहां से लिपस्टिक मिली है। सोचो उस समय भी लोग क्या करते थे, मेकअप फैशन करते थे, लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक मिली है, वक्राकार ईंटें मिले हैं, वक्राकार ईंट मिला है, एक तो लिपस्टिक मिली है, वक्राकार ईंट मिला है, ठीक है, और इसके अलावा तीसरा जो है, यहां से आपको मैं लिखवा चुका हूं मनका बनाने का कारखाना, तो उसको रहन दो, उसको उसको रहन दो, मनके वाला उसको वहीं रहन दो, लिपस्टिक मिला है, वक्राकार ईंट मिला है, दवात के दा वाला दवात मिला है, और झंडा लिए हुए नारी का अंकन, झंडा लिए नारी का अंकन, झंडा लिए नारी का अंकन, कोई पीछे छूट तो नहीं रहे हो, कोई पीछे छूट तो नहीं रहे हो, मैसेज करके बता दो, अगर स्पीड हो रहा है तो बता दो, कोई छूट तो नहीं रहे हो, छोड़ना मत बीच में एक भी चीज, इंपॉर्टेंट है ये पूरा, कुछ भी आ सकता है कहीं से भी, छोड़ना मत, है ना, अगर कहीं छूट रहा है तो एक डैश डैश, पूरा मैसेज नहीं लिख पा रहे हो मत लिखो, दो ठोक बिंदी डैश डैश बना के डॉट कर दो, ताकि मेरे को समझ में आ जाए छूट रहा है, मैं थोड़ा धीरे बोलूं, ठीक है। चौथा आ जाओ, पहला हमने लिखा हड़प्पा, दूसरा हमने लिखा मोहनजोदड़ो, तीसरा हमने लिखा चन्हूदड़ो, ठीक है, चौथा लिखो कालीबंगा या कालीबंगन, कालीबंगा या बंगन, जो आपको सही लगे दोनों लिख सकते हो, कालीबंगा या कालीबंगन, इसकी खोज 1953 में ए घोष के द्वारा किया गया है, क्लियर है, इसकी खोज ए घोष के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया है, क्लियर है सबको? कोई छूटोगे और मैसेज करते नहीं बनेगा तो दो टैप कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि छूट गया है किसी का। ठीक है, कालीबंगा में लिखो, जो हल से अपन जोतते हैं खेत को, तो यहां पे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य, झुके जुते हुए खेत, ठीक है, चूड़ी बनाने का कारखाना, चूड़ी बनाने का कारखाना, और प्रत्येक घर में कुआं, प्रत्येक घर में कुआं, प्रत्येक घर में कुआं, क्लियर है सबको? कालीबंगा 1953 में एक घोष के द्वारा इसे खोजा गया था, यहां से जुते हुए खेत, चूड़ी बनाने का कारखाना और प्रत्येक घर में कुआं मिला है, ठीक है, किसी का कोई मैसेज नहीं, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई छूटना मत, अगर छूटोगे तो बता देना, उसको आगे लिख लेंगे अपन। हो गया, पांचवा लिखो लोथल, पांचवा लिखो
लोथल, पांचवा लिखो लोथल, पांचवा लिखो लोथल। इसकी भी खोज 1953 में ही हुई थी और इसकी खोज की थी ए आर राव ने, ठीक है, एस आर राव, सॉरी ए आर राव बोल दिया हूं, एस आर राव ने, एस आर राव ने इसकी खोज की थी। क्लियर हो गया? लोथल 1953 एस आर राव ने की थी, ठीक है, और 1953 में लिखो। अब यहां लोथल में सबसे पहला पॉइंट तो लिख लेना, ये एक बंदरगाह शहर था, बंदरगाह शहर था, ठीक है। और यहां पे फारस की मुहर मिली है, फारस की मुहर मिली है, और चावल के दाने मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य, ये एकमात्र साक्ष्य है ना चावल का। अभी तक के हम चावल कहीं पढ़े नहीं, हम गेहूं जौ मटर ये सब देख रहे थे, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। भगना मत, सिर्फ 10 मिनट की क्लास है, लाइन से बैठे रहो, बस ये हड़प्पा खत्म होने वाला है। क्या चीज कहां से मिला था, ये एकदम टचक ऐसे टुचुक से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, खत्म, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप केयरफुली लिखो ताकि चीजें छूटे ना, क्लियर है? हो गया यहां पे लोथल सबका हो गया। हाँ, लोथल में एक और चीज हमने क्या लिखा, बंदरगाह शहर, फारस की मुहर, चावल के साक्ष्य। एक और लिख लो, तीन युगल शवाधान, तीन युग्म शवाधान, मतलब युग्म शवाधान मतलब तीन शवाधान एक साथ है, जो कि यहां पे पहले मिला है और कहीं नहीं मिला है ना। एक साथ तीन युग्म शवाधान पहले कहीं नहीं मिला है, एकमात्र हमको कहां पे मिल रहा है, लोथल में मिल रहा है। तो ये चीजों को आप भूलो मत, इसको लिखते हुए जाओ, जो इंपॉर्टेंट शहर है उन्हीं को लिखा रहा हूं, क्लियर है? ये मत सोचो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी हमारा पहला पॉइंट हड़प्पा था, उसके बाद हमने मोहन जोदड़ो को देखा, फिर हमने चन्हुदड़ो को लिखा, फिर हमने काली बंगन को लिखा, और उसके बाद पांचवा हमने लोथल को लिखा, ठीक है। चलो उसके बाद अब लिखो बनावली, छठवा लिखो बनावली, बनावली लिख लिए, बनावली का याद रखना बिष्ट, बनावली बा से बिष्ट, इसकी खोज बिष्ट करके जिनका सरनेम है उन्होंने किया था, बनावली से बिष्ट, बनावली से बिष्ट, क्लियर है? चलो बनावली में क्या मिला है, सोना परखने का क्या है, यंत्र, सोना परखने का यंत्र, सोना परखने का यंत्र मिला है। एक और चीज याद रखना, बनावली में क्या है, नालियों के अवशेष मिले हैं, नालियों के अवशेष। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमें बहुत से शहर मिले, हम हड़प्पा को एक बहुत अच्छे सभ्यता के रूप में जो देखते हैं वो डेफिनेटली था, लेकिन उसका एक एरिया था ये बनावली। यहां से मतलब जल निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं बनी हुई थी, ठीक है, ये एकमात्र ऐसा जगह था जहां जल निकासी की व्यवस्था तो दिखती है लेकिन उत्तम नहीं थी। जैसे नालियों के अवशेष तो मिले हैं लेकिन इतने उत्तम नहीं थे कि प्रॉपर क्या हो, जल पूरा निकल जाए, ठीक है। नालियों के अवशेष मिले हैं, लिखो अब अगला सातवां, सुरकोटदा, 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 सुरकोटदा हो गया, सुरकोटदा,
इसकी खुरवा इसकी जो पहचान है या खुदाई जो है वो जोशी साहब ने की थी, ठीक है। सुरकोटदा आर्कियोलॉजिस्ट हैं जोशी साहब, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। सुरकोटदा यहां से हमें पहली बार घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले थे, घोड़े के हड्डियों के अवशेष, घोड़े के हड्डियों के अवशेष, ठीक है, घोड़े के हड्डियों के अवशेष। और यही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट का, सुरकोटदा घोड़े के हड्डियों के अवशेष। और एक चीज याद रखना, जब हम जोड़वे संस्कृति पढ़ रहे थे, जोड़वे संस्कृति में मैं बताया था कि सोना अत्यंत दुर्लभ था और ये केवल जोड़वे लोगों के पास पाया जाता था। और ये जोड़वे संस्कृति कहाँ निवास करती थी? ये जोड़वे संस्कृति निवास करती थी महाराष्ट्र के दैमाबाद में, क्लियर हो गया। और उनके यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनका अंतिम संस्कार किसमें किया जाता था? बर्तन में शवाधान, मतलब शव को एक बड़े से बर्तन में रख के घर के फर्श के नीचे रख दिया जाता था। बर्तन शवाधान प्रचलित था। तो एक और जो है बर्तन शवाधान हमको कहाँ पे मिला है? सुरकोटदा में, ठीक है, सबको याद रहेगा, शवाधान मिला है यहां से। बर्तन शवाधान भी हमें कहां से मिला है? सुरकोटदा, क्लियर है सबको। एक और लिखो आठवां, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है, हंसना मत, ये एक जगह का नाम है, क्लियर है। और इसकी खोज स्टाइन ने किया था, ठीक है। चलो आठवां आप लिखो, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर यहां पे हड़प्पा से बेबीलोन, मतलब एक अलग जो क्षेत्र था के बीच व्यापार का मार्ग, व्यापार का मार्ग या व्यापार का मार्ग से संबंध, ऐसा चीज यहां पे मिला है, क्लियर है सबको। सुरकोटदा सॉरी सुतका गेंडोर हड़प्पा से बेबीलोन के बीच व्यापार। और यहां पे एक नई चीज मिली है, वो है तांबे की कुल्हाड़ी। वहां से एक नई चीज मिली है, वो है तांबे की कुल्हाड़ी, क्लियर है, तांबे की कुल्हाड़ी, क्लियर हो गया सबको। सबसे पहले हमने हड़प्पा पढ़ा, फिर मोहनजोदड़ो पढ़ा, उसके बाद हमने चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, सुरकोटदा और सुतका गेंडोर, यहां तक सबका हो गया। एक दो ठोक और बचा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 मिनट बचा है, कहीं जाओ मत, तुरंत उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। किसी का मैसेज नहीं आया है, मतलब ठीक है, दो ठोक बस, 3 ठोक आप और लिख लो, है तो बहुत ज्यादा लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बस वही लिखवा रहा हूं। कालीबंगन, ठीक है ना, ऐसे आप लोग, हाँ क्या डाउट है? लिपस्टिक आपको वहां लिखा था ना बोर्ड में, अच्छे से लिखो, ठीक है। लिपस्टिक का कलर डिफाइन नहीं किया, वहां पे सिर्फ लिपस्टिक का अवशेष मिला, ठीक है। चलो अब लिखो अगला, 8 हो गया था, 9वें नंबर पे आप लिखो धौलावीरा, धौलावीरा। इसकी भी खोज किसने की थी? बिष्ट जी ने की थी, क्लियर है। धौलावीरा इसकी भी खोज जो है बिष्ट जी ने की थी। इसके अंदर के पॉइंट्स को भी याद रखना, धौलावीरा एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है। इसमें लिखना इसकी विशेषता क्या थी, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर, 3 भागों में विभाजित
तीन भागों में विभाजित एकमात्र शहर, तीन भागों में विभाजित एकमात्र शहर, याद रखना धौलावीरा जो शहर था वो तीन भागों में विभाजित था, ठीक है। यहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं, यहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष। और एक और चीज लिख लेना, यहां पे जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, जल निकासी उत्तम व्यवस्था, ठीक है, उत्तम व्यवस्था थी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, ठीक है। धौलावीरा हो गया। अब एक बार देख लेता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊं आपको। रंगपुर लिख लो, दसवा रंगपुर, ये रंगपुर हमारा नाम आ चुका है, ठीक है। वत्स लाल और राव, वत्स लाल और राव, इन तीनों ने मिलकर क्या है इसकी खोज की थी, ठीक है। यहां पे आप फिर से लिख लेना क्या, चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर में, चावल के साक्ष्य मिले हैं, और उसके साथ ही साथ कच्ची ईंटों के दुर्ग भी मिले हैं। हमने देखा था हड़प्पा में बाकायदा पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन यहां पे कच्ची ईंटों के दुर्ग भी मिले हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग कहां मिले हैं, तो याद रखना रंगपुर में कच्ची ईंट के दुर्ग भी मिले हैं, और ये कहां पे मिले हैं हमें, रंगपुर में, क्लियर है। उसके बाद आप लिखो रोपड़ छोड़ दो, बालाकोट छोड़ दो, अल्लाहदीनों कुलतासी नौसारो, ठीक है। कोट दीजी लिख लो एक और, 11 कोट दीजी, कोट दीजी, फैजल अहमद ने इसकी खोज की है, फैजल अहमद ने इसकी खोज की है, कोट दीजी, इसकी खोज फैजल अहमद ने की है। यहां पे पत्थर की नींव वाले घर मिले हैं, पत्थर की नींव वाले घर मिले हैं, और बाणाग्र मिला है, पत्थर की नींव वाले घर मिले हैं और बाणाग्र मिला है, बाणाग्र मिला है, क्लियर है। चलो 8 बज गया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, जो लोग कर रहे हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। दो मिनट है ना, ठीक है ना। तो हड़प्पा वाली आज पूरी टॉपिक खत्म हो गई है। बीच बीच में जैसे टाइम मिलेगा तो कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको वो करवा दूंगा, तो आपका पूरा डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगा। कल हम शुरू करेंगे क्या चीज, हम पढ़ेंगे ऋग्वेद काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो चलो अभी क्लास समापन की घोषणा कर रहे हैं, जिसको लिखना है जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। चलो सभी को गुड नाइट।